आपके लिए एक सरप्राइज है। पहले ये तो लो, लीजिए, क्या सरप्राइज है? ये आंखें बंद करो। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह की शुरुआत हम कुकी से करते हैं, जहाँ पे कुकी बैठी हुई है और क्या पापा का इंतजार कर रही है ना, बाथरूम के बाहर बैठी हुई है। अब बस जब तक पापा निकलेंगे नहीं तो कुकी वहां से हिलेगी नहीं, है ना बेटा? आ गए पापा, आ गए बेटा, पापा आ गए, आ गए लिली, आ गए। ओ पापा आ गए बेटा, पापा आ गए। वेट करती रहती है। अरे कुकरा, हाँ। मेरा कुकरा नाश्ता करेगा, नाश्ता करेगा बेटा। ए पापा के पीछे पीछे, ए ए ए ए ए ए चली गई। तो दोस्तों और मैं दिखा दूं, और ये एक स्पेशल जो कि हमारे घर पे ऐड हो चुका है, जो कि जल्द ही हमारे घर पे आने वाला है। तो दोस्तों हमारे घर का ये मेहमान है, जो कि इससे भी अब आपको इंट्रोड्यूस कराना बनता ही है। तो डार्लिंग आप चाय बना रहे हैं? हाँ, चाय बना रहे हैं। ये मेहमान, इस मेहमान की बात कर रही थी, मैं शॉक हो गया। हाँ, ये सोचे थे कौन मेहमान, कहाँ है हमारे घर में मेहमान, ये है हमारे घर पे मेहमान। जल्द से जल्द हम लोग वेट कर रहे हैं वो मेहमान आए, फिर हम लोग उसके साथ डिस्को डांस करें। आमा डिस्को डांस तेरी कुकी, हम सब है ना, हमारी चार लोग की फैमिली बच जाएगी, है ना। तो आप इतना वो करिए और मैं अपना लैपटॉप वगैरह उठाती हूँ और अपने काम पे लगती हूँ। चाय नाश्ता बन के तैयार है बेटा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बहुत भारी है। और इंजॉय करे ब्रेड के साथ, इतना मजा आता है। ये पाव जब से लाए है ना, मतलब इस स्वीट से ऊपर चेरी दिखा, खोल के दिखा ना, चेरी नीचे रख, ब्रेड उठाओ, क्लोज क्लोज क्लोज, ये देखो ना, बहुत सारे हैं। कम इसमें कम था भाई, हमेशा खोल देते तो भरा रहता था, इसलिए आप लोगों को दिखा नहीं, मैं तो दो ही चेरी दिखी। ऐसा होता हम लोग के साथ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये विवेक कुकी को इंजेक्शन से पानी पिला रहे हैं। ये क्या हो गया था कि कुकी को हिचकी आ रही है ना? हाँ, हिचकी आ रही है, देखा हिचकी कर रही है। और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, अगर डॉग कम पानी पिए तो आप आराम से इसमें 10 ml करके धीरे धीरे करके इनको पिला दो, इनको पानी की पूर्ति हो जाती है। अभी बात ये है ना कि अभी ठंड का मौसम आया है ना, हाँ। तो पीने का नहीं मन करता पानी, वो तो ठंड के मौसम तो बात की बात है। मैंने उसको हिचकी आ रही थी, अचानक से विवेक ने देखा कि वो हिचकी मार रही है, तो फटफट ये इंजेक्शन में लाके उसको पानी पिला रहा है ताकि उसकी हिचकी रुकी, है ना। रुक गई, जस्ट खाना खाई थी, मुझे लगता है हड़बड़ी में खाली होगी, है ना। खाई कहाँ है पूरा खाना, ये खाते खाते करती भी क्या है, ये खाते खाते ना भौंकने लग जाएगी, खाते खाते यहाँ भाग जाएगी, तो अटक गया होगा खाना। बेटा पिलो, पियो पियो पियो, अच्छे से पियो बेटा, भाग गई क्या हो बेटा, कहाँ गई कुकी, कहाँ गई? पापा पानी पिला रहे जस्ती, कैसे बैठ गई है? 3-4 सिरिंज पी लिया है ना, इंजेक्शन पी लिया है, चलो हो गया, आटा। ओ ठीक है, पति जी लेके बैठे हैं जूस बनाने। तो ये कौन सी स्टाइल में काट रहे, डालेंगे कैसे स्टाइल है? अरे जूस वाले को देखे थे काटते हुए, हाँ हाँ, ट्राई करते कहीं हो जाए। थोड़ा ठेला क्यों नहीं खोल लेते जूस का, जानू आप तो सीखते ही रहते हैं सबसे, आप ये करना है। लाइफ में कभी भी सीखना नहीं छोड़ना चाहिए था, कभी सोच भी पाते कि ये जो कर रहे हो देखो, बेहतरीन तरीके से कट गया। में कुकी भी सब सीखती रहती है आपसे, सब देखती रहती है, गौर से देखती रहेगी क्या हो रहा है, कैसे कट रहा है पापा, कैसे काट रहे हैं। सारे ऑरेंज छिल गए हैं, तब इनका बनेगा लाजवाब जूसा। बन गया है हमारा हेल्दी हेल्दी ऑरेंज जूस। अपने आप चेस कर ले रहे क्या, अपने अकेले अकेले में मैं नहीं कर रही, अपने आप में चेस कर ले रहे हैं। बाहर से तो 1000 गुना अच्छा, अपना पर्सनल मतलब अपने पेड़ का उगा हुआ ऑरेंज का
जूस बनाइए, बहुत बढ़िया बनेगा, बिल्कुल फ्रेश। तो दोस्तों वही शाम का टाइम हो चुका है, कोई मैं आराम से बैठी हुई थी और क्या हो गया कि अभी ठंड का मौसम आ रहा है, तो जब शाम होती है तो एक जो शाम भी होती है पूरे टाइम भी जब एक भीनी भीनी ठंडक ठंडक वाली एक एहसास होता रहता है ना, बहुत प्यारा एहसास लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ठंडी का मौसम, मुझे अच्छा लगता है जब आता है बीच में रहता है तब, जब कड़ाके की ठंडी आती है ना तब मज़ा नहीं आता। तो दोस्तों मैं बैठी थी और फिर मैंने सारे फ्रूट्स व्रूट्स खाए, सारे फ्रूट्स व्रूट्स खा लिए मैंने, क्योंकि मेरे पति देव का कहना है कि फ्रूट्स तुम खाते रहना, क्योंकि आजकल मैं खाना खा ही नहीं रही हूँ, मैं खाना इतना सा खा रही हूँ, और मेरे पति देव भी इसी शर्त में मुझे कुछ नहीं बोल रहे हैं कि तुम फ्रूट्स वगैरह भर भर के खाओगी, और फ्रूट्स सारे लाते हैं तो उन्होंने बोला है कि एक भी फ्रूट्स ख़राब नहीं होना चाहिए, महंगे महंगे एक तो फ्रूट्स लाता हूँ, यही पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात तुम खाओगी पूरा, तो मैं जब खाती हूँ ना तो पूरा मेरा छिलका वगैरह पेट में पड़ा रहता है, वो सबसे पहले आगे भी चेक करते हैं बर्तन किस में खाई हो, तो वो छिलका देखते हैं, केले का छिलका देखते हैं, एप्पल का छिलका देखते हैं, ये वो सारे फ्रूट्स के छिलके बल्कि अनार के छिलके देखते हैं, तब वो फील करते हैं कि नहीं हाँ ठीक है तुम खाई हो ये वो, तब वो फील करते हैं। और बता दूँ आज मेरा एक अमेज़ॉन से पार्सल आया, अमेज़ॉन से पार्सल आया जिसे मैंने कट कर लिया है और चेक कर लिया, क्योंकि मैं कभी भी जो भी ऑर्डर आता है ना तो मैं कभी भी ना खोलती नहीं हूँ पार्सल को, क्योंकि मेरे पति देव को ना बहुत अच्छा लगता है खोलना, तो मैं उन्हीं को दे देती हूँ कि आप खोलो आप वो करो। तो क्या कहते हैं अब क्या है कि अब ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, और क्या गिफ्ट है मैं बताऊँगी ही नहीं, और ये मैं सीधे बर्थडे में ही आप लोग को बताऊँगी, क्योंकि अभी ब्लॉग्स वगैरह मेरे पति देव भी देखते हैं, उनको पता चल जाएगा, आपको बताऊंगी तो इसलिए मैं किसी को भी नहीं बता सकती, तो सीधे बर्थडे में ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं। और मेन मुझे ज़्यादा चिंता थी कि चेक करना था कि जो मैंने मंगाया है सामान वो सही है कि नहीं सही है, क्योंकि एक बर्थडे का मेरा गिफ्ट है ये, बर्थडे का है, और भी कुछ कुछ चीज़ें आनी है, तो गोल्ड की चीज़ आनी है जो कि मम्मी पापा की तरफ से है, वो तो गोल्ड का है तो फिक्स है, अब गोल्ड में क्या है, क्योंकि लड़कों का ज़्यादा आइटम क्या होता है, चैन होता है, अंगूठी होती है, और क्या चैन अंगूठी और ब्रेसलेट होता है, और इनको सोने के सिक्के भी पसंद है, पसंद जैसे 10 ग्राम का सिक्का ले, 10 से 20 ग्राम का सिक्का हो तो उनको मज़ा आता है, अच्छा लगता है उनको रखने में, ये चीज़ें उनकी पसंद की चीज़ें हैं। तो अब मैंने उसमें से क्या ऑर्डर किया है अब वो तो बर्थडे के दिन ही पता चलेगा आप लोग को, है ना। तो अभी एक चीज़ आ गया है जो कि मेरे तरफ से गिफ्ट है, और अभी और भी कुछ कुछ आने हैं, और ये मैंने चेक करने के लिए वो किया था कि मैं खोल के चेक कर लूँ कि क्वालिटी सही हो कि नहीं, क्वालिटी सही है कि नहीं, क्योंकि ये तो बर्थडे का गिफ्ट है और मैं बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है कि बर्थडे का ग्रुप गिफ्ट हो और आप क्वालिटी, एक तो आप महंगा आइटम मंगा रहे हो ठीक है ना, अच्छा आइटम मंगा रहे हो और ऊपर से कहीं रद्दी वद्दी ना पकड़ा दिया, मटेरियल ख़राब है, क्वालिटी ख़राब है उसकी, लो मटेरियल है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ना। तो ये मैं चेक कर रही थी और मुझे रिलीफ फील हुआ कि चलो अच्छा आइटम आया है, बढ़िया आया है, मैं संतुष्ट हूँ। और मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए ये जूस, मेरे पति देव जूस बना के रखे गए हैं शाम का पीने के लिए, कि शाम में ये तुम जूस पी लेना, और वो भी मुझे टाइम पे ख़त्म करना है दोस्तों। तो यही सब चीज़ें थी, यहाँ थोड़ा सा आराम से बैठूँगी, थोड़ा बैल्कनी में थोड़ा सा एनवायरमेंट का मज़ा लूँगी, और थोड़ा सा यहाँ से टीवी भी देखती रहती हूँ, एनवायरनमेंट का मज़ा भी लेती रहती हूँ, थोड़ा टहलती वॉक करती रहती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है, लो लगने लगता है तो लेट जाती हूँ, बस यही मेरा दिनचर्या है दोस्तों, यही मेरी ज़िंदगी है ना। तो बाकी मेरे पति देव आते हैं तो मिलेंगे। मेरे पति देव जी आ चुके हैं, मैं 2 मिनट के लिए बाहर गई थी, और ये क्या जुकाम हो रहा है, और ये आते ही मैं नहीं थी तो क्या कर रहे थे, ये पटाख से पेलना स्टार्ट कर दिया। ओ माय डार्लिंग, मैं जानू के लिए नाश्ता सब कुछ बना के नहीं रख पाते हैं ना डार्लिंग, अब बनाने नहीं देते हैं। तो बाहर मुंह मारने की आदत नहीं है। हाँ ठीक है ना, फिर चटपटा कुछ 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 खा कर, चटपटा भी अब कुछ खाते नहीं है, घर पे रखी हुई है वो भी खाना नहीं चाहते हैं आप। तो बताइए बस जुकाम कैसे हो गया डार्लिंग? वो यूं हुआ कि जुकाम ने बोला मुझे होना। अच्छा, मैंने बोला ठीक है हो लो, अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाओ वाओ वाओ। तो चलिए हम दोस्तों से खुशी में बाद में मिलते हैं। लिंग आपके लिए एक सरप्राइज है, पहले ये तो लो। क्या सरप्राइज है? लीजिए ये, आंखें बंद करो, ये ले ऊपर हाथ कर, हाँ चॉकलेट, ये कर्तव्य के तरफ से चॉकलेट आपके बर्थडे पे। मेरे ये जलवे जलवे समझे, मजे मजे यामी यामी, या तो मैं खाऊंगी सिल्क सिल्क।
लालची आपको लालच आ गया। मैं भी थोड़ा सा खाऊंगा। कर्तव्य को थैंक यू सो मच बेटा, बहुत तरक्की मिले, सदा खुश रहो, खूब पढ़ो, खूब लिखो, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रात के खाने पे बन रहा है आलू के पराठे, जो कि ये मटेरियल है, इसको मैंने पूरी अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब इसमें आटे में डालूंगी आराम से इसको। तो आज खाने वाले हैं हम लोग क्या, आलू के पराठे। तो फटाफट मैं आलू भर के डो रेडी करके रखती हूँ, और मेरे पति देव फटाफट बेल बेल के बना के देंगे। तो दोस्तों दिखा दूँ कि मेरा ये रेडी हो गया है, इसे मेरा आलू भरना हो गया है। डार्लिंग आपने तवा चढ़ा दिया है? हाँ, तो लीजिए ये मेरा रेडी हो गया है, पूरा बढ़िया भर गया है। तो ये मेरे डार्लिंग अब फटाफट गर्मा गर्म मज़ेदार आलू के पराठे बनाने वाले हैं, और एक बेहतरीन सब्जी भी बनाए हैं। ये धनिया पत्ती नहीं डाले हैं, ये बैगन की सब्जी है, मतलब कलौंजी टाइप से बोल दो, भरता टाइप से बोल दो, वो टेस्टी होती, अच्छी लगती है। ये धनिया पत्ती डाल देते हैं और खुशबू कितनी यमी आ जाती है। खाना वैसे भी, हाँ दोस्तों बता दो, मुझे नहीं खाना है मैं, लेकिन दही के साथ खाऊंगी। दही ये चलेगा बिल्कुल नहीं, आप अपने में लगा लीजिएगा, आपको एक्स्ट्रा बटर की जरूरत होती है तो आप अपने छिड़क लीजिएगा। तो फटाफट बनाइए। तो दोस्तों जब बनेगा तो फिर हम मिलते हैं। क्या धुआं धुआं मचा के रखे दोस्तों, बता दूं पूरा धुआं धुआं करके रखे पूरा घर पे। किसका चॉइस था आलू पराठा खाने का? तो जब भी आप रोटी बनाते तो धुआं धुआं कर देते हैं। ये स्पेशल रोटी बनता है, उसमें स्पेशल टेस्ट होता है। मैं बता दूं दोस्तों की जब रोटी बनाते तो मुझे लगता है कि पराठा बना रहे की, तो धुआं धुआं कैसा है? ये पहले आदमी है दुनिया के जो रोटी भी बनाते तो धुआं धुआं हो जाता है। हाँ, पूरा घर पूरा धुआं धुआं भर गया यार। हाँ, आपका सारा सामान अपने पास रखिए। तो मेरे पति देव ने बना दिया है गर्मा गर्म पराठे का मजा लेंगे। तो दोस्तों आपसे मिलेंगे कल। मेरे पे तो मैं तो जलवे जलवे आलू का पराठा भी खाऊंगी, उसके बाद तुम्हें पास चॉकलेट है खाने को, मैं किसी को दूंगी भी नहीं, समझे? मेरे पास डोनट है, आधा खटा हुआ, पटा हुआ, आधा गला हुआ। कुकी बदमाश है, कुकी भी ना बहुत बदमाश है। तो दोस्तों तुम लोग जाते हैं खाते हैं, तो आपसे मिलेंगे कल। आई होप कि हमारे ब्लॉग आप लोग को अच्छे लगते होंगे, अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कराना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।